शिखा, आपको सुनते हुए 8 साल हो गए हैं, फिर भी मुझ में कुछ खास बदलाव नहीं आया। खुद को कहीं ना कहीं दोषी मानती हूँ। जब आपके सानिध्य में होती हूँ तो ग्लानि महसूस होती है, पर 3 दिन बाद फिर वही सब शुरू हो जाता है। ऐसा करते मैंने 8 साल खराब कर दिए। कृपया मुझे कड़ा दंड दे, मैं अपनी नींद से जाग सकूं और साधना को शुरू कर सकूं। मेरी यह विनती है। शिखा, 8 साल, 80 साल, के 800 साल, क्या फर्क पड़ता है? जब तक तुम न जागना चाहो, तुम्हें कोई नहीं जगा सकता। और ये जो तुम लिखते हो कि मिलने पर मुझसे ग्लानि होती है, तुम ग्लानि क्यों करती हो? तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति बनकर इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि अभी तुम्हारे अंदर वो भूख नहीं है? अभी संसार की इच्छाएं और वासनाएं इतनी बड़ी हैं, इतनी गहरी हैं, और जब तक ये वासनाएं जोर मारती रहेंगी, धर्म अध्यात्म साधना ये सिर्फ दिल बहलाने के लिए अच्छे एक ख्याल तो हो सकते हैं, लेकिन इससे आपको तृप्ति कभी भी नहीं मिल सकती। तो अपने दिल में ढूंढो। अगर दिल में चाह संसार की है तो अपने आप को धोखा मत दो। स्वीकार करो कि अभी तुम एक साधक नहीं हो, ना साधक बन पा रहे हो। अभी आप जो कर सकते हैं थोड़ा बहुत उतना ही कीजिए, एंड जस्ट लीव एवरीथिंग एल्स टू द टाइम। मे बी यू आर स्टिल नॉट रेडी टू बी ऑन दैट।